कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिस्ता आइसक्रीम हम घर पे किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसे अपने घर पे बना सकते हैं और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पिस्ता आइसक्रीम बनाना। सबसे पहले पैन में हम लेंगे 300 ml मिल्क। तो यहाँ मैंने 300 ml मिल्क डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे चीनी, जितना मीठा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से चीनी डालें। मैंने यहाँ पे चीनी बहुत कम यूज़ की है, मैं आइसक्रीम बहुत हल्के मीठे की बना रही हूँ। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक दूध आधा न रह जाए, मतलब जितनी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसका आधा दूध जब तक न रह जाए तब तक आपको इसे फ्लेम पर पकाना है और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। ये देखिए मिल्क अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, इसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है, तो थोड़ा सा इसे अभी हम और पका लेते हैं। जैसा मैंने आपको चीनी के लिए बताया या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 300 ml मिल्क लिया है, तो उस हिसाब से आपको 100 g शुगर लेनी है। बाकी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दूध एकदम आधा रह गया है, अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। दूध अभी काफ़ी गर्म है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 tbsp मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर में भी चीनी होती है, इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप इसमें शुगर ऐड करें, क्योंकि दूध काफ़ी तेज़ गर्म है तो मिल्क पाउडर बहुत ही आसानी से इसके साथ मिक्स हो जाएगा और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। साथ ही हम डाल देते हैं इसमें क्रश किया हुआ पिस्ता, जितना आप डालना चाहते हैं आप उस हिसाब से पिस्ता इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर से इसे एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए पिस्ता एसेंस, कुछ बूंदे पिस्ता एसेंस की इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपने पिस्ता भी ऐड किया है इसे डालना ज़रूरी नहीं है। और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, इससे आइसक्रीम देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपका मन करे तो आप इसे डालें। ये देखिए क्योंकि हमने इसमें फूड कलर ऐड किया है तो कितना अच्छा इसके ऊपर ग्रीन कलर आ गया है। और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जैसे ही दूध पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे 200 ml फ्रेश क्रीम। तो अभी मैं इसमें 150 ml फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, बाकी की बची हुई 50 ml फ्रेश क्रीम हम बाद में यूज़ करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे हैवी क्रीम नहीं ली है। आप किसी भी ब्रांड की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, आप चाहें तो मदर डेयरी की भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके एरिया में वो ईजिली अवेलेबल हो जाती हो। बाकी बची हुई 50 ml फ्रेश क्रीम को हम इस तरह से हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट करेंगे, जिससे इसमें एयर जनरेट हो जाएगी और क्रीम लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगी। ये देखिए क्रीम अच्छी तरह से लाइट और फ्लफ़ी हो गई है। इसको हमें 15 से 20 मिनट इसी तरह से हैंड बीटर से विस्क करना है। और जो अब हमने दूध वाला मिक्सचर तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए मिक्सचर भी ठंडा होकर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और हमने इसमें क्रीम ऐड की है तो काफ़ी क्रीमी भी है ये। बहुत ही लाइट हैंड से इसे हम मिक्स करेंगे और अब ये एकदम तैयार है। जिस भी कंटेनर में आपको इसे सेट करना हो उसमें इसे डाल दें और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी है ये। इसके ऊपर हम लगा देते हैं बारीक कटे हुए पिस्ता की एक लेयर। आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी चेक करने का ये एकदम परफेक्ट तरीका है। ये देखिए मैं इसके ऊपर पिस्ता डाल रही हूँ और ये नीचे जाके सेट नहीं हो रहे, बहुत ही आसानी से इसकी एक लेयर सेट हो गई है ऊपर। इसका मतलब हमारी आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसे हम क्लिंग रैप करेंगे जिससे इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने, और इसे बंद करके कम से कम हम 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल्स आ गए हैं तो आप इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं और फिर से इसे सेट कर सकते हैं। तो इसे मैं 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। लगभग 10 से 12 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है, आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखिए आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो अब हम इसे स्कूप आउट कर लेते हैं। जब भी कभी आप आइसक्रीम को स्कूप आउट करते हैं तो उसे 1 मिनट के लिए आप ऐसी
छोड़ दें, जिससे आइसक्रीम सॉफ्ट हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से स्कूप के साथ इसे बाहर निकाल पाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी आइसक्रीम सेट हुई है, तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से आइसक्रीम बनके सेट हुई है। और फाइनल गार्निशिंग इसकी हम कर देते हैं बारीक कटे हुए पिस्ता के साथ। पिस्ता आइसक्रीम बनके रेडी है। गर्मी बहुत है इसलिए आइसक्रीम बहुत ही जल्दी मेल्ट हो रही है, तो मैं इस आइसक्रीम को एंजॉय करती हूँ। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करें और आपके जो भी एक्सपीरियंस हो वो आप मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रेसिपीज़ के लिए आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.cookwithmansi.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।